तो मैं इसको पहले पीछे करता हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छा आसानी से जा रहा है पीछे। और मैं यहाँ पे वापस फिर लाता हूँ इसको, देख सकते हैं इसकी स्पीड। तो फाइनली दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे पास है एक आरसी कार, और ये भी एक मॉडिफाई कार है। मैंने जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और ये पहले ऐसा नहीं दिखता था, आप साइड में देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता था पहले। तो मैं उसका ऊपरी वाला भाग निकाल दिया हूँ जो थोड़ा सा इसका लुक बनाता था, और क्या मॉडिफाई किया हूँ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। और देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे रिचार्जेबल लिथियम आयन का यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है। पहले ये सेल से चलता था, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन सेल इसमें लगता था, जब वो डिस्चार्ज होता था तब ये बंद हो जाता। तो मैंने क्या किया, इसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ और यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक चार्जिंग सॉकेट लगा दी हूँ, जिससे आप बार बार चार्ज करने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एक बार चार्ज करने के बाद आप फुल्ली दो तीन घंटे तक आराम से चला सकते हैं। और जो बैटरी, तीन बैटरी यहाँ से लगती थी, उसका मतलब ख़रीदने का खर्च है वो ख़त्म हो गया है। तो इसको मैंने कैसे किया है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं इसका फुल्ली मॉडिफाइड वीडियो आपको बना दूंगा। मैं अभी इसको बस चला के दिखाने वाला हूँ कि कैसा प्रभाव पड़ता है कैसा नहीं। और ये हल्का होने की वजह से और तेज़ी से चल रहा है इसका, देख सकते हैं रिमोट मैं कल चलाया था। इसको स्टार्ट करके एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे से इसको बंद कर दूँ, देख सकते हैं ये पूरा बंद हो गया है। और आप भी चाहते हैं अगर ये मॉडिफाई वीडियो कैसे बना है, कार कैसे मॉडिफाई करें आरसी कार को अपने घर पे ही, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 10 लोग भी चैनल पे कमेंट करते हैं ये मॉडिफाई वाला वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो देख सकते हैं मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लाइट जल गई है, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको, और ये हमेशा ऑन ही रहता है, इसमें सेल लगा देंगे पीछे से तो हमेशा ही ऑन रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं एरो बना है आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए। तो मैं इसको पहले पीछे करता हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छा आसानी से जा रहा है पीछे। और मैं यहाँ पर वापस फिर लाता हूँ इसको, देख सकते हैं इसकी स्पीड में काफ़ी इजाफा हो गया है, और इस वाली लिथियम आयन वाली बैटरी लगाने की वजह से तो ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ज़्यादा आप लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि एक बार चार्ज कीजिए और बड़े आराम से ही चलाइए। और जो बैटरी वाला जो सेल वाला सिस्टम था वो पूरा एकदम बकवास ही था, एक बार लगाओ और हमेशा डिस्चार्ज हो जाने के बाद उस थोड़ा सा वोल्टेज नहीं बचता था और इसका स्पीड कम हो जाता था। तो आप कमेंट कीजिए जाके कमेंट बॉक्स में, और अगर 10 लोग जैसे ही होते हैं वैसे मैं आपका फुल्ली डिटेल और मॉडिफाइड वीडियो आपको दे दूँगा। उसके पहले आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं चला के दिखा देता हूँ कैसे चल रहा है, सकते हैं आगे के लिए देखिए कितना दूर जा रहा है। इसका रेंज भी बहुत बहुत ज़्यादा है, इसका रेंज यहाँ पे देख सकते हैं कितने तेज़ी से आगे और पीछे हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते कितनी आसानी से यहाँ पे आगे बढ़ा। और मैं इसका टेस्टिंग करता हूँ, देखेंगे कहाँ तक जाता है इसका कंट्रोल। देख सकते हैं लगभग यहाँ से हो गया है 30 फीट के आगे, और मैं यहाँ पे वापस लाने की कोशिश करूँगा इसको। देख सकते हैं बड़ी आसानी से आ गया। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो, और जाके कमेंट में यस करो। और मैं आपको जैसे ही 10 कमेंट आते हैं इस मॉडिफाई वाले वीडियो को बनाने के लिए, तैसे मैं आपके लिए एक फुल्ली इससे भी अच्छा तरीके से मॉडिफाई करके इसमें लाइट वगैरह और लगा के आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।